यहाँ पर इस जमीन के अंदर एक अंडरग्राउंड बंकर और इस बंकर के अंदर लास्ट तक रुकने वाले को मिलेंगे टोटल 1,00,000 रुपए। तैयार हो तुम लोग? यस। तो गाइस जो ये चैलेंज है ना वो इनके लिए काफी ज्यादा हार्ड होने वाला है क्योंकि इनको अभी खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं मिलने वाला है। समझ गए तुम लोग? खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं, अंदर जाओ बस। कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, केवल एक ही रूल से बाहर नहीं निकलना और जो सबसे एंड तक अंदर रुक जाएगा उसके हो जाएंगे 1,00,000 रुपए। समझ में आ गया? ठीक है, तैयार तो जाओ अंदर। चलो गाइस, काफी हार्ड होने वाला है ये चैलेंज और यहाँ पे अंदर एक बंकर और ये तीनों तैयार है इस कंपटीशन के लिए और यहाँ पर है टोटल 1,00,000 रुपए। देखते हैं कि कौन जीतता है इस चैलेंज को। जल्दी अंदर जाओ यार, चैलेंज स्टार्ट करो। गाइस देखते हैं कि जो ये चैलेंज है ना वो यार कितने दिन तक चलता है। क्या कर रही है? कुछ भी सुन के जाता हूँ, पेट भर लेता हूँ भाई। गाइस ये एक ऐसा कुत्ता है, अगर इसको कोई दूसरा कुत्ता काट जाए ना तो इसको 14 इंजेक्शन नहीं लगे, उस कुत्ते को 14 इंजेक्शन लगे। जल्दी अंदर जा। एक पानी की बोतल दे दो। कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं, अंदर जाओ। यहाँ पे अब गाइस इसको कर देते हैं बंद। अंदर वो सारे जा चुके हैं, अब देखते हैं कि सबसे पहले कौन बाहर निकलता है और सबसे एंड में कौन बाहर निकलता है और किसके हाथ में ये 1,00,000 रुपए आते हैं। गाइस अंदर आ चुके हैं और अभी तो इसकी हालत काफी ज्यादा अच्छी है और काफी ज्यादा मजा भी आ रहा है क्योंकि चोर अभी तक तो काफी ज्यादा मजा आ रहा है ना, बहुत ज्यादा। अभी तक तो हम इसमें रुक जाएंगे बट देखते हैं कि कब तक रुक पाते हैं। अभी तो काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं और अब मैं आपको अपना रूम टूर करा देता हूं। सबसे पहले तो यहां पर देखो ये पंखा चल रहा है जिसकी मदद से हमें इसके अंदर रुकने में आसानी हो रही है। एक पंखा यहाँ पर है जो कि हम जब सोने जाएंगे ना तब इसको अंदर लेके जा सकते हैं और यहाँ पर ये कैप्सूल बना हुआ है, इसके अंदर भी लाइटिंग लगी हुई है वहाँ पे देखो, और एक कैप्सूल यहाँ पर है। बट यहाँ पर एक ही दिक्कत है कि हमारे खाने और पीने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। जमीन खोद के पानी निकालूंगा। हाँ इतने अंदर तो आ चुके हम, देखो जमीन से इतना नीचे हम आ चुके हैं, थोड़ा और खोद ले, मेहनत कर ले, पानी निकल जाएगा। बात तो सही है। पानी तो जब उसको खोदेंगे ना तब भी प्यास लगेगी, फिर क्या करेगा? कोशिश करे, कोशिश करने वाले की हार नहीं कोई होती। नहीं, टॉयलेट पीपी के काम चलाएंगे, पहले भी तो करते थे। पहले करते थे मतलब। ओए किशोर क्या कर रहा है? इसके साथ मस्ती कर रहा हूँ। अबे वो टूट गया ना तो यहाँ पे रुकने में दिक्कत हो जाएगी। एक और है ना अपने पास, लाइट। हाँ तो अगर लाइट चली गई तो फिर यही काम आएगा ना। हाँ यार ये भी है, संभाल के रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ये जो छत है ना वो काफी ज्यादा हीट हो रही है। कैसा लग रहा है, पूरा कर लेगा? बिल्कुल, 1,00,000 जीतते जाऊंगा। देखिए शक्ल तो नहीं लगती तेरी, हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, उसका मतलब ये होता कि उन्होंने तकलीफों ना डील करना होता है। बिल्कुल सही। फाइनली यार यहाँ पर बैठ चुके हैं और हम गेम स्टार्ट कर रहे हैं। किशोर कौन सा गेम है? चिड़िया उड़ तोता उड़ मैना उड़ वो वाला। तो चलो चिड़िया उड़ मैना उड़ वो खेलते हैं, गेम खेलते हैं। रेडी है? रेडी हूं मैं। तो चलो गेम स्टार्ट करते हैं। चिड़िया आउट, मैना आउट, कबूतर उड, खरगोश उड। इतने ऊपर आई, इतने ऊपर आई, वापस बैठ गई। अरे पानी में उतरी यार, ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर। थोड़ी सी धनिया डाला, मार मार मार, ये थोड़ा सा अदरक डाला, ये थोड़ा सा नींबू डाला। अरे अरे लगी लगी, नहीं 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 नहीं, ओ मेरा टास्क, मेरा टास्क, मेरे का निकल निकल टास्क, ले आ जा आ जा निकल। नून मिर्च लग गई। दोनों हाथ से एक हाथ, नहीं कहीं से भी मार सकते, नहीं दोनों से मारते हैं, दोनों से मारते हैं। नहीं तू हाथ ऐसे कर, एक हाथ नून मिर्च ऊपर से, चारों तरफ से चलता है। लड़ो लड़ो कुत्ते की तरह लड़ो, ऐसी चैलेंज होगा, अगर जो हारेगा वही बाहर जाएगा। गाइस यार हम तीन जने हैं तो यहाँ पे बोर हो रहे हैं, सोचो जब भैया ने इस रूम के अंदर चैलेंज किया तब वो कैसे सर्वाइव कर रहे होंगे, कैसे कर रहे थे होंगे। लेकिन उनके पास खाने पीने की सारी चीजें थी, हमने उनको ज्यादा परेशान भी नहीं किया, बट हमारे साथ तो पता नहीं क्या हो रहा है। अरे उसे बोल कम से कम पानी तो दे यार। पानी भी नहीं दिया, 3 घंटों से हमने पानी नहीं पिया क्योंकि पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी गर्मी का मौसम है। अभी गर्मी के मौसम में इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। शाम के 4 बजने वाले होंगे शायद। 1,00,000 रुपए मेरे हैं, मेरे मेरी पैसे आएगी 4, दूध बेचूंगा फिर लेकर आऊँगा 8।
कुछ तो साजिश करनी पड़ेगी। तुम तो कुछ नहीं कर पाओगे साजिश, जीतने वाला तो मैं। तब जाके ये दोनों के दोनों बाहर जाएंगे। किशोर किशोर को पीट दे अभी अच्छी तरह से, उससे क्या होगा, ये बाहर चला जाएगा फिर। मेरे को आईडिया बुरा नहीं है। और फिर हम 50-50 कर लेंगे और क्या है, देखते हैं। मेरे को पाद आ रहा, मैं पादने वाला हूँ, तुम बाहर भागोगे यहाँ से। ओए पागल है क्या, इसको मत सड़ा पागल, यहाँ से गैस बाहर जाने की भी जगह नहीं है बिल्कुल भी। पूरा फेंक के देखो, पूरा का पूरा पैक्ड है। अगर तुमको बाहर भेजना इतनी है तो सी भी बाहर की हवा अंदर नहीं आती और अंदर की हवा बाहर नहीं जाएगी। अगर तुमको बाहर भेजना है तो यही करना पड़ेगा, पाद निकालना। मैं तो अपने बंकर के अंदर जाके छुप जाऊंगा, उसके अंदर निकाल के आऊंगा सबसे पहले गैस सब के अंदर। ये सूखला है रे, बाहर भगा इसको, इसको बाहर फेंको, बाहर फेंको बाहर, ये यहाँ पे रहने लायक ही नहीं है। गाइस वो लोग परेशान कर रहे हैं, देखो 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 देखो, ये गया ये गया, बेटी आ रही है। ये इधर वो गई। अरे पागल हो गया ओए, ये गिरा दी भाई। भैया हमें परेशान कर रहे हैं, तुम मुझे कर रहे थे ना परेशान। आया बचाओ, ये आगे इधर देख, इधर क्या पागल है क्या, अब तो मैं परेशान करूंगा। गाइस अभी मैं इनको कुछ भी नहीं देने वाला खाने पीने के लिए, और कल है ना तुम्हारे पास में आएगा गिफ्ट बॉक्स, उसके अंदर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऊपर तो मत कूद कम से कम। अरे कूदूंगा मैं अभी, और भाई नीचे मिट्टी आ रही है यार। वो गया, ये कर दिया इसने, कांड कर रहा है ये भाई। लाख रुपए ऐसे ही थोड़ी जीते जाते भाई, इतना परेशान तो हमने भी नहीं किया। अरे मैं तो डबल करूंगा ना, और पता है बाहर रात हो गई पूरी, रात हो गई इतनी जल्दी क्या, टाइम तो हुआ है, टाइम तो अपने हिसाब से चल रहा है भाई। अंदर तो पता ही नहीं चल रहा क्या रात है क्या दिन है। ये कर दिया भाई, और यहाँ पे देखो मिट्टी गिरा दी, ये देख पूरा भर दिया इसको मिट्टी। अरे यार यहाँ से गिरी, यहाँ से लग रहा है ये लकड़ी जाने वाली है भाई। यहाँ पे दब तो गए ना इसके नीचे, निकालने वाला कोई नहीं मिलेगा। ओ विश्व दूर है, दूर दब जाएंगे यहीं पे, कोई नहीं आएगा निकालने के लिए। अब मैं तो ये लोगों भी नहीं आ सकते, मैं बैठने वाला हूं चुपचाप। और बाहर जो है ना वो पूरा का पूरा अंधेरा हो चुका है, पूरा का पूरा हमें तो पता ही नहीं चल रहा क्या दिन है क्या रात है। क्योंकि सुबह तो मतलब दिन के टाइम में तो यहाँ से रोशनी आ रही थी, बट अभी जो है ना रोशनी भी बंद हो चुकी है पूरी की पूरी। ना तो कुछ खाने के लिए ना फिर पीने के लिए, पूरे दोपहर से मतलब प्यासे हैं, भूखे हैं, खाने को दे दो रे, पूरे भूखे हैं, पूरी हालत खराब है भाई। मस्ती कर रहे हो, ऊपर खाने को दे दो यार। कुछ भी नहीं दे रहे खाने के लिए तो, दे ओए कुछ तो खाने के लिए दे दो भाई, थोड़ा सा तो तरस खा लो हमारे ऊपर। ओए मैं तो जा रहा हूँ सोने, ठीक है। कहाँ जा रहा है? सोने जा रहा है। हाँ यार, हाँ चल ठीक है जा, खाना तो मिला नहीं, क्या करो। हाँ ठीक है जा जा, कहीं सोना होगा। अरे धक्का दे अंदर, धक्का लगाओ इसका। ए ये मोटे खा के, मोटा हो गया तू, कितना खाता है तू, पूरा डाल दे अंदर, बाहर नहीं आने देना इसको, बाहर नहीं आने देंगे। सो जा अंदर, घुटन होगी इसको। पंखा दे भाई, मत करो, अब इसको बाहर नहीं आने देंगे, पूरा गर्मी में खत्म हो जा तू। पंखे भी दोनों यहीं पे पड़े, एक हो रहा एक ये रहा। पंखा दे, पंखा नहीं मिलने वाला, कोई पंखा वंखा नहीं है, अंदर रह तू अब। तो मम्मी कैसे होगी तुम्हारे? हाँ मम्मी, हमने आंटी बना रखी है प्लीज। नहीं नहीं, क्या हुआ? पंखा दे यार प्लीज, तेरी कसम गर्मी हो रही है खतरनाक। पंखा हमको चाहिए भैया, हम दो बार है। दे दे यार। नहीं कोई पंखा वंखा नहीं मिलने वाला, अंदर सो जा आराम से, अगर तेरे को बाहर जाना है तो जा सकता है। मम्मी बाहर निकल, अरे मर जाऊंगा मैं सांस में यार। मैं पूरे रात ऐसे रुक जाऊंगा, 1,00,000 रुपए का सवाल है। इसको हराना है, यहीं पे सोऊंगा मैं तो आराम से। इसको हराना है, इसको हराना है कुल मिला के। अभी देखना इस अंदर बहुत ज्यादा गर्मी होगी। पूरा का पूरा बंद कर दिया, बाहर निकालना, उसके साथ बहुत बुरी चोट कर दी हमने तो। बाहर निकाल, नहीं चिल्ला रहा बहुत भयंकर वाला। चलो गाइस बहुत ज्यादा परेशान कर लिया इसको, मैं भी थक गया खड़े खड़े, बाहर निकाल देते इसको, बच्चा समझ के माफ कर रहा हूँ, अगली बार तो नहीं करूंगा तेरे को। आजा बाहर आजा। इतने हरामी दोस्त साले, 1,00,000 रुपए लिए मुझे इसके अंदर दफन कर दिया। बिल्कुल, 1,00,000 रुपए तो 1,00,000 रुपए मेरे से ले लेते यार कम से कम। अगर तेरे को कुछ हो भी जाता ना तो 10-20 रुपए का खर्चा आता बस। अरे जमीन भी मेरी जमीन बेच के देता, और क्या है। हाँ ठीक है, अभी देख निकल पा रहे हैं। तो गाइस बहुत ज्यादा भूख लग रही है, अगर मैं ऐसे ही बैठा रहा ना रात भर तो और भी ज्यादा भूख लगेगी। इससे अच्छा तो मैं सो जाऊँ अंदर जाके,
ताकि सो जाऊंगा ना, टाइम का पता नहीं चलेगा कब सुबह होगी कब नहीं। मैं तो जा रहा हूँ इसके अंदर सोने। तू कहाँ जा रहा मोटे? मैं भी सोने जा रहा हूँ भाई। इसके अंदर जा रहा है? इसमें सो रहा हूँ मैं तो। चल ठीक है, मैं उस वाले इसके अंदर सो रहा हूँ, मैं बंकर के अंदर। फाइनली यार आपका भाई कैप्सूल के अंदर तो आ गया, क्योंकि अभी जो नाइट है ना, तो इस वजह से ऊपर की जो रेत है ना वो तो ठंडी हो चुकी है। इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा रुक सकता हूँ मैं, क्योंकि ठंडा ठंडा लग रहा है। बल्कि दिन के अंदर तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है, बहुत भयंकर वाली। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना, बहुत भयंकर वाली। आज हालत डाउन हो गई पूरी, दिन भर गर्मी, अभी भूखे प्यासे। चलो गाइस मैं तो अब सो रहा हूँ। फाइनली वो दोनों सो चुके हैं, एक वहाँ पर एक यहाँ पर, दोनों कैप्सूल में सो गए और मुझे लावास की तरह नीचे छोड़ दिया। चलो क्या करें, सोना तो है ही, अब यहीं सो जाते हैं। गुड नाइट। हे गाइस गुड मॉर्निंग। तो मैंने तो पूरी रात भर अच्छे से नींद निकाल ली। किशोर वहाँ पे अभी तक सो रहा है और इसको देखो किस तरीके से सो रहा है। तो चलो इनको उठाते हैं। ओए अबे उठ जा, सुबह हो गई। ऐसे ही सो रहा था पूरी रात से, नींद नहीं करनी निकाली पूरी रात से। और ये देखो भाई पंखा वंखा लगा के सो रहा है अच्छे से किशोर। तो चलो इसका पंखा छीन लेते हैं, अब उठ जाएगा ये किशोर। उठ जा, सुबह हो गई। तो हमारी रात तो पूरी अच्छे से निकल चुकी है, अब स्टार्ट हो चुका हमारा वापस से सुबह मॉर्निंग दूसरा दिन। लेकिन रात भर से कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है, तो जिस तरीके की हालत हो गई। खाने को कुछ भी नहीं मिला अभी तक, अपन को आया ही नहीं है कोई, देखने भी नहीं आया अपन जिंदा है या फिर मर गए। बोलो ना यार, कोई भी देखने नहीं आया हमको यहाँ पे कि हम जिंदा हैं या फिर मर गए। फाइनली दूसरा दिन स्टार्ट हो चुका है, लेकिन हमारे पास करने के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो हम बताते हैं आपको कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। यहाँ पे देखो किशोर क्या कर रहा है, इसकी चोटी कर रहा है यार, क्या करें, टाइम पास नहीं हो रहा। देखो मोनू की चोटी बना रहा है किशोर टाइम पास करने के लिए। और ये चोटी बनने के बाद ये कैसा लगेगा देखना, पता नहीं। छपरी। फाइनली यार हम बन चुके हैं चोटी मैन, तीनों के तीनों। देख सकते हो तीनों के सर के अंदर हमारे चोटी बन चुकी है, छपरी छपरी। तो चलो छपरी वाला सॉन्ग स्टार्ट करते हैं और डांस करते हैं। हमें छपरी छपरी। भाई लोगों इतनी ज्यादा हालत खराब हो रही है, अब तो भूख लग रही है यार। सुबह की 9 बज चुकी है और अभी तक खाने को कुछ नहीं दिया, बल्कि भैया यहाँ पे देखने भी नहीं आए कि हम जिंदा है या नहीं है। सूरज जैसे जैसे ऊपर आ रहा है ऐसे गर्मी बढ़ रही है गाइस। पानी तो पिला दे यार। भाई कल से एक बूंद भी पानी की नहीं पी यार, थोड़ा तो तरस गालो, पानी दे दो। किशोर बाहर चला जाना यार। नहीं मैं तो 1,00,000 रुपए लेके ही यहाँ से बाहर जाऊंगा, वरना उससे पहले एक कदम बाहर नहीं निकलने वाला। तू चला जा, पागल है, चला जा, तेरी हालत खराब हो रही है, तेरे को प्यास भी लग रही है। कोई भी बाहर जाने को तैयार नहीं है, तो चलो चैलेंज को कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं दोपहर तक तो कुछ खाने के लिए लाते हैं या फिर नहीं लाते हैं, या फिर भूखे प्यासे ही यहाँ पे रुकना पड़ेगा। अगर कुछ खाने को नहीं दिया ना तो मैं तोड़ दूंगा चैलेंज को बाहर। गाइस हर एक कुत्ते का दिन आता है और आज है इनकी बारी। इन लोगों ने यार मेरी लाइट काटी थी जब मैं इस बंकर के अंदर था, लेकिन आज है मेरी बारी पूरा बदला लेने की। तो यहाँ पर ये रही वायरिंग और ये वायरिंग मैंने हटा दी। आ रहा है मजा गाइस, वायरिंग कट। ओए लाइट चालू कर, लाइट चालू कर यार, गर्मी हो रही है भाई। लाइट काट दी उसने भैया आगे और अब बदला चालू कर दिया पूरा। क्या यार ये कोई तरीका है क्या, अब मरना पड़ेगा पूरा गर्मी। लाइट चालू कर दे रे, ऊपर से खाने को नहीं दे रहे और लाइट और काट दी। भाई साहब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, अब तो हालत ख़राब हो रही है यार। मैं तो एक काम करूँगा। क्या करने वाला है? यहाँ से इस कोने से आर पार वो खड्डा करूँगा, वहाँ से हवा तो आएगी थोड़ी बहुत। ये किशोर, ये भाई किशोर कर रहा है यहाँ पे होल। हो गया, फाड़ दे पूरी, फाड़ दे, हवा आएगी अंदर। हटा पूरा, हटा दे पूरा, हटा दे भाई। धूल उड़ रही है बहुत भयंकर वाली, देखो शक्ल देखो, धूल आ रही है अंदर बहुत ज्यादा। मेहनत का फल मिल गया। तू बाहर चला गया, आउट हो गया बाहर। मेरा पैर तो अंदर है, बस गर्दन बाहर है मेरी।
भाई लाइट ही काट दिया यार, इतनी ज्यादा परेशान कर दिया हमें पूरा। ओए ये क्या सीन है? हवा खाने के लिए क्या तूने लाइट काटी हमारी? गाइस यहाँ पे आप देखो यार, इसने कितना बड़ा होल कर दिया, इतना बड़ा होल कर दिया। नहीं ये रूल्स के खिलाफ है, मुझे नहीं पता, इसको बंद कर रहा हूँ मैं अब। तो गाइस ये होता है होल बंद। ओ भाई साहब वो कर दिया इसने काम। गाइस किशोर ने जो खड्डा खोदा था उसका हमें भरपूर फायदा नहीं मिल पाया, और जो हमें वहाँ से ऑक्सीजन चाहिए थी वो भी हमें नहीं मिल पाई, बल्कि मिली तो बस गर्मी और दुख। ये भी इसकी भी बैटरी देख टिम टिम कर रही है, ये भी जाने वाला है, इसकी बैटरी भी ख़त्म होने वाली है, उसका भी हमें फ़ायदा नहीं मिल पाया, मिले तो बस ये गर्मी और दुख दर्द। तो साला ये दुख का ख़त्म नहीं होता बे। तो गाइस पूरा एक दिन हो गया और हमने लोंडो को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। अभी हमने ना लाइट भी काट दी है, और इसके अलावा जो उन्होंने होल बनाया था उसको भी बंद कर दिया, और भाई साहब खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं दिया। तो सोच रहे हैं कि यार कुछ उनका भला कर दें। तो यहाँ पे आप देखो ये दोस्तों मिस्ट्री बॉक्स, तो ये उनको देने वाले हैं, देखते हैं कि उनको फ़ायदा होता है या नहीं। ये है तुम्हारे लिए मिस्ट्री बॉक्स, बाहर नहीं निकलना, अंदर जा, अंदर जा वापस, अंदर जा जल्दी बंद कर, और वापस जो ये दरवाजा है वो हो चुका है बंद। क्या दिया ये किशोर, क्या दिया? पता नहीं क्या दिया इसने, ये डिब्बा दिया है, करके चल इसको खोलते, खोल तो सही क्या है इसमें, फाड़ दे फाड़ दे पूरा, फाड़ तू तो भाई, खास पानी मिल जाए मेरे को तो भाई। ये क्या है? अरे ये वाओ, खाने पीने की चीजें, मजा आ गया। ओए सब मिल बांट के कहेंगे ठीक है ना, सब सब सब। पहले तो पानी पिला दे यार, पानी की एक ही बोतल है, पानी की एक बोतल, ओए थोड़ा थोड़ा सब थोड़ा पियेंगे, पानी की एक बोतल है, एक ही बोतल है पानी की, शेक करना इसमें। और ये पोए है देखो गाइस, इसके अंदर आए ये पोए, ये भी बनाएंगे, ये एक पानी की बोतल निकल गई, इनको यहाँ रख देते, ये पोए आए, ये कोका कोला की बोतल है, चलो अब तो गुजारा हो जाएगा अपना। और ये क्या है, रेड फ्रूटी पावर, ये भी काम आएगी, ये मेरी है, मेरी पावर खत्म हो गई। हाँ सबकी पावर खत्म हो गई, तेरी क्या, ये टेढ़े मेढ़े हैं। अरे पानी की बोतल एक और है, दो है, दो पानी की बोतल, ये भी रख ले, साइड में रख, साइड में रख। और आलू से ओ अबे ये जोलो चिप्स, इसके क्या करेंगे, ये तेरे लिए ही भैया, ए पागल है, तेरे लिए ही है। ओए जोलो चिप्स किसके लिए दिए, ओए हटा इसको, फेंक दे साइड, फेंक इसको, इसको कौन खाएगा, इसको बाहर बाहर फेंक दे, खा लेगा। अरे ये क्या, वाओ वाओ, फ्रूट भी आए, पपीता, टमाटर, मैगी, क्या 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 दे रखा है, मैगी, गुड्डे, प्याज, प्याज वही खाने की चीज नहीं, बहुत अब तो हो जाएगा, अब हो जाएगा अपना चैलेंज कंप्लीट। चार दिन रुक जाएंगे, अब तो चार दिन रुक जाएंगे, लेकिन सब लिमिट का, लिमिट का, लिमिट का, लिमिट का करेंगे, ज्यादा नहीं खाएंगे। फाइनली यार कुछ खाने को तो मिल ही गया, मुझे तो पानी पिलाओ यार, पहले बोतल देना पानी, कल से कुछ भी नहीं खाया, अब ये खा रहा हूँ, देखो गाइस बिस्किट है भाई। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, सबको अलग अलग कोने में जाके हवा खानी पड़ रही, मैं देखो गेट के पास आके बैठा हूँ। तो भैया ने तरस खा के हमारी लाइट तो वापस चालू कर दी, और हमारा पंखा जो है वो अच्छे से चल रहा है, इस वजह से इसके अंदर थोड़ी गर्मी वगैरह तो हमारी सूख चुकी है। अब क्या कर रहे हैं? और अब हम कर रहे हैं, क्योंकि वेपर्स वगैरह से हमारा पेट नहीं भरा है, तो किशोर अब बना रहा है, क्या बना रहा है किशोर? मैगीज। अच्छा भाई काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी ना, तो मैगी तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रही, क्योंकि शोर अच्छी है ना, एक नंबर। अब नमकीन मिलाने वाला इसके अंदर, कैसी लग रही है मैगी? और अब हम भी मैगी खा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं, तो जल्दी जल्दी मैगी खा लो। तो गाइस मैगी तो बना ली, खा ली, लेकिन मैगी बनाई ना, वो जो गैस थी ना उसकी गर्मी से देखो क्या हालत हो गई, देखो पूरा पसीना पसीना, ये देखो ये आराम से बिस्किट खा रहे हैं, मैगी खाने के बाद भी पेट नहीं भरा क्या तुम्हारा? अजीब जानवर है, कितना भी खाए फूका ही रहता है। तो गाइस मैं आ चुका हूँ अंदर इनसे मिलने, तो कैसी है तुम्हारी हालत? चैलेंज तू बहुत टॉर्चर किया आज, अब अकेला का चैलेंज रहेगा ना, तब देख मैं तेरे से क्या अभी तो और करूंगा, रुको 1,00,000 रुपए ऐसे थोड़ी मिलेंगे तुम्हारे को। गाइस अभी जो है ना हम इनको और टॉर्चर करने वाले हैं, वैसे मोटा बता तेरी हालत कैसी है? बहुत बुरी, बस खाने खाना पीना हो गया ना तब थोड़ा। अरे तुमने तो कुछ छोड़ा ही नहीं गाइस, कुत्तों की तरह यहाँ पे आप देखो क्या हाल कर रखा है भाई साहब, सारी चीजें तुमने तो लगभग खत्म ही कर दी है, और ये
पोहे का पैकेट है लेकिन मुझे पता है तुम्हारा पानी खत्म हो गया पानी खत्म दो तो अब इसका तुम कुछ नहीं कर सकते। गाइस ये है ना बिल्कुल फालतू चीज है, कुछ नहीं कर सकते। बाकी इसके अलावा यहाँ पे देखो इनके पास में ये दो चीजें हैं बस यूज करने लायक, और ये तो ये तीन चार चीजें ही है इनके पास में खाने के लिए, बाकी तो कुछ भी नहीं है। और ये क्या कर रखा है पूरा गाइस तबेला बना दिया इन लोगों ने, देखो सुरंग बनाई थी ना यहाँ पे, देखो कैसा तबेला बना दिया तुम लोगों ने यार। मेरी बात सुनो हार मान जाओ फटाफट से, मेरे को चार पैसे। अरे क्यों कर रहे हो गाइस चैलेंज को कितना लंबा खींच दिया इन लोगों ने। आज है दूसरे दिन की दूसरी रात, जी हाँ दोस्तों शाम होने वाली है, थोड़ी देर में पूरा ही अंधेरा हो जाएगा। तो आप सोचो कितना ज्यादा लंबा खींच रहे हो तुम इसको, हार मानो यार फटाफट। अगर तुम हार नहीं मानोगे ना तो मैं चैलेंज को और भी ज्यादा हार्ड करने वाला हूँ। अब देख लो अभी तक तो तीनों में से किसी ने हार नहीं मानी है। हाँ ऐसा तो ये हार नहीं मानने वाला, मैं क्या करने वाला हूँ जो इनका चैलेंज है उसको और भी ज्यादा हार्ड बनाने वाला हूँ। तब क्या मुझे पता है तुम बाहर निकलोगे, रुको जरा सबर करो अभी बताता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ। चल चल बाहर चल। ये शक्ल देखो किशोर की और इसकी अभी अभी लड़ाई हुई है, जो इसके सारे के सारे जो शर्ट के बटन है ना सारे तोड़ दिए और शर्ट भी फाड़ दिया। यहाँ से देखो यहाँ से ही फट गया, और कहाँ से फटा यहाँ से, ये देखो यहाँ से ही फट गया, यहाँ पे गिरा दिया इसको और सारे के सारे बटन तोड़ दिए। अब क्या करेगा, मारेगा उसको क्या? मारे बच्चा है यार, मर जाएगा। ऐसा मारता भाई है, दोनों की लड़ाई हो गई, बेचारे शांति से यहाँ पे बैठे थे मजाक मजाक में लड़ लिए और अब जो है इसका शर्ट फट गया। तो गाइस मैंने बोला था कि मैं उनकी हालत खराब करके रख दूंगा। यहाँ पे आप देख लो ये है फायर क्रैकर वाल, तो क्या करने वाला हूँ जो ये पूरी की पूरी बड़ी सी लड़ है ना इस लड़ को डाल दूंगा अंदर, जी हाँ, और फिर जो ऊपर वाला दरवाजा है वो कर दूंगा बंद। उनकी हालत पूरी खराब होने वाली है, चलो आ जाओ। बिल्कुल है ना चुप रहना है ना, पता नहीं चलना चाहिए। एकदम से गाइज है ना हम उनका रिएक्शन देखेंगे कि कैसा रिएक्शन हमारे को देखने को मिलता है। गाइज यार मन ही नहीं लग रहा, अंधेरा भी हो चुका है, रात की जो है ना 8 बज चुकी है, देखो 8 बज चुकी है। और पंखा दे दो यार मैं अंदर सो जाऊं पागल इतना। अरे तो लग गए यार ये क्या धुआं ही धुआं कर दिया, पागल हो गया भाई। एक और जला देंगे गाइस, एक और मजा आ रहा है। गाइस पूरा धुआं है, अब तो पक्का वो हार मान के बाहर निकलेंगे, और इस गेट को मैं नहीं खोलने वाला हूँ। अब हो रही है उनकी तगड़ी हालत खराब, अभी तक हार नहीं मान रहे यार वो, मर तो नहीं गए? अरे मरा तो नहीं ना तुम? अबे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। गाइस पूरा धुआं है अंदर, पूरा धुआं, लेकिन हिम्मत देखो यार 1,00,000 रुपए की बात है, चैलेंज मुश्किल तो होना चाहिए, जी हाँ दोस्तों। ओए अभी भी बाहर आ जाओ, पूरा धुआं ही धुआं हो गया अंदर। था कि ये बाहर निकलेंगे और देखो निकल गए। कुल मिला के यहाँ पर सबसे पहले निकला ये बाहर, फिर निकला ये बाहर, फिर निकला ये बाहर, विनर ये है। लेकिन अभी आप इसकी हालत देखिए भाई, देखो कितना धुआं धुआं हो चुका है, इतने सारे हमने फायर क्रैकर डाल दिए थे अंदर। मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ नहीं दे रहा हूँ क्योंकि काफी ज्यादा धुआं हो चुका है और मेरा खुद का दम घुट रहा है भाई। चल भाई धुआं है पूरा यहाँ पर तो, अरे रास्ता खाली कर।
तो गाइस यहाँ पर ये रहे 1,00,000 रुपए और ये पैसे होते हैं अब ऑफिशियली मोटे के, क्योंकि मोटा इस चैलेंज को जीत चुका है। और भाई लोगों ये स्टार्टिंग में जो ना हार भी नहीं मान रहे थे, आपको पता होगा यार जो ये चैलेंज है ना उसको खींचते जा रहे थे, लेकिन मैंने क्या किया, अंदर छोड़ दिया फायर क्रैकर, फिर आए ये बाहर। ओए अगर अब है ना किसी ने पैसे थेर से छीन लिए तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है ना, अपनी अमानत खुद संभाल कर रखो। बाकी गाइस वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो आपको अच्छी लगी तो क्या करना, वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पर नहीं हो तो कर देना चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद जय भारत। गाइस इनसे मेरी खुशी नहीं देखी जाती यार।